गुण संपन्न या धर्मात्मा अवश्य है, लेकिन उसकी आयु अल्प है। केवल वह एक वर्ष के लिए ही जिंदा है, एक वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अशुपति बड़े उदास हुए। विचार करके सारी बात अपनी पुत्री सावित्री देवी को कह सुनाई, पर सावित्री नहीं मानी तो विवाह करवाना पड़ा। सावित्री देवी ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। सावित्री देवी के सास ससुर नेत्रहीन थे। सावित्री ने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करना शुरू कर दिया। उसने जब जान